और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एजीएल प्लॉट आवंटन मामला इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से, जहां एजीएल प्लांट आवंटन मामला में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हुड्डा कोर्ट में पेश हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कोर्ट में पेश हुए हैं। एजीएल प्लॉट आवंटन का ये पूरा मामला था, जिसमें आज की कार्रवाई सुनवाई शुरू हुई है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा भी कोर्ट में पेश हुए हैं। इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एजीएल प्लॉट आवंटन का यह पूरा मामला। और संवाददाता उमंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। उमंग, आज सुनवाई जो है वो होगी, पूर्व सीएम हुड्डा भी कोर्ट में पेश हुए हैं, आगे क्या कुछ होना है? इस मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजीएल प्लॉट आवंटन मामले के तहत सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हैं, लेकिन आज की जो सुनवाई है वो अगली तारीख के लिए टाल दी गई है। 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि इस मामले के जो दूसरे मुख्य आरोपी हैं एजीएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा, उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते केवल हाजिरी लगी है और अगली सुनवाई पर अब आरोपों को लेकर बहस होगी। अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर को अब दोनों आरोपियों को किया जाएगा पेश। जी, और एक बार ये संक्षिप्त में बताएंगे उमंग की क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसको लेकर हुड्डा पर ये केस चल रहा था? देखिए, पूरा मामला जो है ये एजीएल प्लॉट आवंटन मामला है, जिसको एजीएल हाउस जो मीडिया हाउस है उसको एक प्लॉट जो है पुराने दरों पर दे दिया गया था। 1982 की दरों पर 1995 में इस प्लॉट को आवंटित किया गया था, जिसे करोड़ों का जो चूना है वो हुड्डा विभाग को लगा था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन चेयरमैन थे तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने इस प्लॉट को गैर कानूनी तरीके से कौड़ियों के दाम पर एजीएल हाउस को आवंटित किया था। इसको लेकर बाद में ईडी और सीबीआई दोनों जगह जांच चल रही है। सीबीआई कोर्ट में पंचकुला में ट्रायल इसका शुरू हो चुका है, जिसको लेकर आरोपों पर बहस की जा रही है, इसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। जी उमंग, इसमें क्या और भी कोई बड़े चेहरे शामिल है इस पूरे मामले में हुड्डा के अलावा? जी, इसमें दो ही आरोपी हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे, और दूसरा एजीएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा। यही दो मुख्य आरोपी हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमंग आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कोर्ट में पेश हुए हैं। बता दें आपको, एजीएल प्लॉट आवंटन का ये पूरा मामला है, जिसमें आज सुनवाई की जा रही है, लेकिन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। पंचकुला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एजीएल प्लॉट आवंटन का ये पूरा मामला है, जिसमें सुनवाई चल रही है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कोर्ट में पेश हो गए हैं और इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में दो आरोपी है, जिसमें हुड्डा पेश हो गए हैं, लेकिन मोतीलाल वोरा कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें एजीएल प्लॉट आवंटन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें आज सुनवाई शुरू हुई है। पूर्व सीएम हुड्डा कोर्ट में पेश हो गए हैं, मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा दें विशेष कोर्ट में जो कार्यवाही सुनवाई चल रही है उसको लेकर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। एजीएल प्लॉट आवंटन का यह पूरा मामला बताया गया है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और वहां की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।